आप लोग देख रहे हो कि लगातार रोज कोई ना कोई अपनी समस्या लेके आ रहा है, जो सरकार से समस्याएं, खासकर जो बेरोजगार साथी हैं या जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं। कल भी साथी आए थे, परसों भी आए थे, कभी आपने देखा है सीपीएल वाले आवे हैं, कदे जिनकी 25,000 वाले कहीं भर्ती नहीं हुई है वे आवे हैं, कल वो ओबीसी वाले आए थे, आज ये आ रहे हैं टीजीटी वाले। टीजीटी वाले हो ना भाई? समझिए, टीजीटी मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट वाले, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इनका जो इशू है आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी बात है। मुझे समझ में नहीं आता इन नेताओं का क्या कराया जाए क्या नहीं कराया जाए। एक लिस्ट लगाई गई थी टीजीटी की, अखबार में भी आया हुआ था कि 7500 कितना था भाई, 7500 बच्चों को नौकरी दे दी हमने, एड भी निकाला था, और सैनी साहब ने बड़ा रुका मार मार के सीएम साहब ने कही थी ये बात, तो बहुत बढ़िया भाई, हमने भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, इतने दिन तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो बड़ा कहीं लिस्ट लगने लग रही है। तो बड़ी गजब बात है कि ये जो बच्चे आए हुए हैं आज, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, वे 7500 नौकरी नहीं लगाई गई थी, वे लगाई थी कितनी भाई, 4500 सिर्फ 4700 नौकरी लगाई गई थी, और उसमें भी अब आप देखोगे कि जो खाली रह गए 2800 से 3000 के आसपास जो पद हैं वो खाली छोड़ दिए, जिसका कोई मतलब नहीं था खाली छोड़ने का, लेकिन खाली छोड़ दिए। सीएम साहब से हम पूछना चाहते हैं, अक वहां पर राजीव गांधी स्टेडियम पंचकुला में बुलाए थे सब, है ना भाई, देवीलाल स्टेडियम में वहां बुलाकर प्रोग्राम कराया, और जब जिनका वेटिंग लिस्ट, क्योंकि डिटेल रिजल्ट दिया नहीं गया, तो सेकंड लिस्ट के लिए बच्चे गए थे, सेकंड लिस्ट के लिए भाई हमारी भी लगा दो, ये सारे वो वेटिंग वाले हैं सेकंड लिस्ट वाले। लेकिन उस टाइम पे जब कहा गया तो सीएम साहब की सुनिए आप, देखिए सैनी साहब ने कहा कि भाई 2-3 दिन में सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट रिजल्ट मैं लगा दूंगा, और इतनी तालियों की गड़गड़ाहट सारे, क्योंकि बेचारे क्या करे बेरोजगार आदमी, और क्या करे भाई, इन्हें दिखा के नौकरी मिलेगी तो बोलेगा इसने थोड़ा नौकरी है भाई, चोड़े वाले में दिख जावे सीएम साहब रोटेट करते हुए आवाज फुल कर दे रहे। तो उनको कहा गया था भाई एक महीना, कितना महीना हो गया भाई, एक महीना से ज्यादा, एक हो गया कि नहीं हो गया, एक महीना हो गया। अब मुख्यमंत्री की तो यार मर्द की तो जुबान हो यार, मुख्यमंत्री की तो जुबान और तगड़ी हो है, इतने बड़का की ताली बजवा के सागपुरी खवाया था उसने, सब कुछ खवाया था उस दिन राज्य सागपुरी, तो थोड़ी सागपुरी तो हमें बतेरे भंडारे लाओ हमारी खा लेंगे, नौकरी दो ना सागपुरी की जरूरत थोड़ी, अपने आप खा लेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, जब आपने कहा खुद अपनी जुबान तक रखा है, कहीं कोई कुछ रह नहीं रहा, कोई कोर्ट केस भी नहीं है ना भाई, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं है इनके ऊपर, और कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो टॉप, जो लिस्ट लग रही है उसमें टॉप में है, उनको भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री साहब ने क्या कहा था, ढाइये भाई, कुछ बच्चे मुझे मिले थे कि वेटिंग लिस्ट और डिटेल रिजल्ट वो आना चाहिए, वो भी 2-3 दिन के अंदर वेटिंग लिस्ट भी हो जाएगी और डिटेल रिजल्ट भी आ जाएगा, प्योर ट्रांसपेरेंसी है, प्योर ट्रांसपेरेंसी है, उसके अंदर कहीं भी किसी। अब ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री तो है, बूथ तो है नहीं, मुख्यमंत्री है, एक महीना हो गया ना भाई, एक महीने से ये सारे बाला कूड़े थे, फिर ये कह रहे हैं प्योर ट्रांसपेरेंसी, भाई प्योर का तो इनने बेरा होगा, बता रहे हैं कोई डिटेल रिजल्ट तो दिया ही नहीं गया, दे रखे भाई नहीं दे रहा है। जब डिटेल रिजल्ट है नहीं तो आप ये कैसे कह इसको कौन लग गए, कैसे मुख्यमंत्री के दरबार तय निराश हो गए, ताड़ तंबू के करना होंगे भैया, आपकी इनकी कोई सुन नहीं रहा, इसीलिए तो ना कोई पक्ष विपक्ष को सुनता ही नहीं, कोई आवाज उठाता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं, तो किस जाएंगे बेरोजगार बालक, किस जाएंगे भाई, तो 25,000 बालक से ये अलग अलग जिनका सारा मतलब पचड़ा फसा रखा है, तो फिर तेन करना पड़ेगा भाई, और तो कोई रास्ता नहीं, जिस जितम रैली करोगे उड़े ले लेके पहुंचूंगा मैं, तीन दौर मेरे दौर के हुए है। मन जो लोग इस तरह का राजनीतिक खेल कर रहे हैं, बेरोजगारों की फुटबॉल बना रहे हैं, घटिया लोग हैं, और मैं तो कहूंगा अरे भर्ती करने का मुकदम कर देते, जिसकी सरकार बननी पड़ेगी और 10-20,000 भर्ती, अगर सर की सही सरकार उल्टा पुलटा हो है तो फिर क्यों डरो हो भाई तुम,
बेरोजगार आप क्यों राजनीति करो, अपना दम दिखाओ, राजनीति करिए आप नहीं करो। हाईकोर्ट ये कह चुका है अगर सारे मामले हाईकोर्ट में आवेंगे तो ये आयोग जो बना रखा है भर्ती प्रक्रिया के लिए, क्या ये मोमबत्ती बना रहा है, क्या कर रहा है फिर ये बहुत बड़ा फेलियर है। ये कहने से बात नहीं बनेगी मुख्यमंत्री साहब और सैनी साहब के दरबाजे जब सारी ना दरबार बताओ खुले रहे हैं तो दरबार में ये सुनती को ना नीचे बात है कर देगा समाधान। और एक बात हो रहा कालवे बालक बताओ दे वो चेयरमैन तो मुख्यमंत्री के तो उसने ऑर्डर न रद्दी में गिरते है पाट दे है नो मैं कुछ ना मानता, तो इस बात पर भी देखना चाहिए सैनी साहब ये किसा के मुख्यमंत्री इतना बोलता मुख्यमंत्री वह है।